श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। अपनी जिंदगी में अगर कोई वाकई कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने तरीकों को बदलो, इरादों को कभी नहीं। मित्रों, पंचांग में दो प्रकार के संवत प्रयोग में लाए जाते हैं। शक संवत, आज का शक संवत 1942 शर्वरी और विक्रमी संवत 2070 प्रमादि। आज की तारीख 24 जनवरी 2021 और आज का वार है रविवार। आज पोष माह का 26वां दिन है। पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 10:57 रात्रि तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 24 जनवरी 2021 के सूर्योदय का समय रहेगा 7:13 सुबह। सूर्यास्त का समय 5:54 शाम को होगा। चंद्रोदय का समय रहेगा 2 दोपहर को और चंद्रास्त का समय 4:12 अगले दिन सुबह तक होगा। आज का नक्षत्र रोहिणी 12:01 मध्य रात्रि तक रहेगा। तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आज के नक्षत्र के बारे में। जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर ओ, व, वी, वू से शुरू होते हैं, ये लोग रोहिणी नक्षत्र के माने जाते हैं। इनकी राशि होती है वृष। राशि स्वामी की बात करें तो शुक्र। गण इनका मनुष्य का रहता है। तत्व पृथ्वी संबंधित और नक्षत्र देवता की बात करें तो ब्रह्मा इनका नक्षत्र देवता रहता है। आज की सूर्य राशि है मकर। आज की चंद्र राशि है वृषभ। आज का पहला कर्ण वणिज 10 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण वृष्टि 10:57 रात्रि तक रहने वाला है। आइए जानते हैं आज के कर्ण के विषय में। वणिज कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति तेज बुद्धि के स्वामी होते हैं। इस कर्ण के जातक व्यापार में निपुण होने के कारण वाणिज्य कर्म से आजीविका कमाने वाले होते हैं। ये लोग यात्रा के काफी शौकीन होते हैं। व्यापार के उद्देश्य से काफी यात्राएं करते हैं और लाभ भी प्राप्त करते हैं। इसके जातक पूर्णतः व्यवसायिक बुद्धि के माने जाते हैं। ज्योतिषी शास्त्र में विष्टिकर्ण को शुभ नहीं माना जाता। इस कर्ण में जन्म लेने वाले जातक पर विष्टिकर्ण का अशुभ प्रभाव रहता है, जिसके कारण जातक का आचरण संदिग्ध रहता है। इनका मन अनुचित कार्यों में लगता है। इस कर्ण के जातक का एक विशिष्ट स्वभाव यह है कि ये शत्रु से बदला लेने की सोचें तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। विष्टिकर्ण यह एक प्रकार का सबसे अधिक अशुभ फल प्रदान करने वाला चर समय है। कोई भी नया काम इस कर्ण में ना करें। कुछ धार्मिक कार्यों में भी इस समय को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। आज का योग ब्रह्म 10:30 रात्रि तक रहेगा। तदुपरांत इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। दिशाशूल की बात करें तो आज पश्चिम दिशा में दिशाशूल माना गया है। इसके निवारण के लिए दलिया व घी खाकर घर से प्रस्थान करना चाहिए। ऐसा करने से दिशाशूल का प्रभाव कम हो सकता है। आइए जानते हैं ब्रह्म योग के बारे में। यदि कोई शांतिदायक कार्य करना हो तो यह योग अति उत्तम है और यदि किसी का कोई झगड़ा इत्यादि सुलझाना हो तो भी यह योग सफलता प्रदान करता है। कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि ब्रह्म योग में पैदा हुए लोग बहादुर और साहसिक कार्य करने वाले होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक पुस्तकों में भी रुचि रखने वाले धार्मिक व्यक्ति होते हैं। आप पवित्र शिक्षाओं और धार्मिक शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, ऐसी मान्यता है। आज दिनमान 10:40:55 रहेगा। रात्रिमान का समय 13:18:42 होगा। मध्याह्न का समय 12:33 पर होगा। मध्याह्न समय से लगभग 20 पहले से और मध्याह्न के लगभग 20 बाद तक के समय को ही अभिजीत मुहूर्त का नाम दिया गया है।
यह एक प्रकार का शुभ समय माना गया है। आइए जानते हैं आज के मुहूर्त के बारे में। आज का शुभ समय आज का अभिजीत मुहूर्त 12:12 दोपहर से 12:54 दोपहर तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय 2:20 दोपहर से 3:02 दोपहर तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 5:26 सुबह से 6:20 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। आज का शुभ समय आज का अमृत कालम योग 8:29 शाम से 10:15 शाम तक रहेगा। रवि योग का समय 7:13 सुबह से 12:01 मध्य रात्रि तक रहने वाला है। आज अग्निवास आकाश में है जिसका समय 10:57 शाम तक रहेगा। इसके बाद अग्निवास पाताल लोक में होगा। आज का अशुभ समय आज का राहु काल 4:34 शाम से 5:54 शाम तक रहेगा। यमगंड काल का समय 12:33 दोपहर से 1:53 दोपहर तक रहेगा। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू ना करें। आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार रहेंगी। 24 जनवरी को पोष पुत्र दा एकादशी और रोहिणी व्रत होगा। 25 जनवरी को कुर्म द्वादशी, 26 जनवरी को प्रदोष व्रत और गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो 24 जनवरी को 7:13 सुबह से 10:57 शाम तक खरीदें। नक्षत्र रहेगा रोहिणी, तिथि होगी एकादशी और वार होगा रविवार। 24 जनवरी 2021 के दिन का चौघड़िया इस प्रकार रहेगा। चर समय 8:33 सुबह से 9:53 सुबह तक। लाभ समय 9:53 सुबह से 11:13 सुबह तक रहेगा। अमृतकाल की बात करें तो 11:13 सुबह से 12:33 दोपहर तक अमृतकाल का समय रहेगा। शुभ समय 1:53 दोपहर से 3:13 दोपहर तक रहेगा। इन समय में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू किए जा सकते हैं, शुभ फलदायी होंगे। आइए जानते हैं आज के रात के चौघड़िए के विषय में। शुभ समय होगा 5:53 शाम से 7:32 शाम तक। अमृतकाल का समय 7:32 शाम से 9:13 तक रहने वाला है। चर समय अर्थात सामान्य समय 9:13 शाम से 10:52 शाम तक रहेगा। लाभ 2:12 अगले दिन सुबह से 3:53 अगले दिन सुबह तक होगा। शुभ समय 5:33 अगले दिन सुबह से 7:13 अगले दिन सुबह तक होगा। ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का पंचांग और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें व शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।